नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल स्लिप स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और मेरा वेबसाइट www.stocktradingadvisor.wordpress.com में डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने कुछ नया एलिमेंट इंक्लूड किया हूँ और पिछले जो प्रोबेबिलिटी जो अप डाउन दिखाया था उसको मैं डिलीट कर दिया। उसके जगह मैंने ये प्रोबेबिलिटी 1 और प्रोबेबिलिटी 2 को दिया है। इसमें आपको स्क्रीन करने से ज़्यादा सुविधा होगा। हम लोगों का सभी का एक लक्ष्य होता है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, स्टॉक या मार्केट कौन सा दिशा में मूव करना, तो उसी को मैंने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्चर करने का कोशिश किया, तो इसीलिए इसको ये यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2 एंड हाई लो फैक्टर। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है और इसको मैंने आप लोगों का व्यू दूंगा या स्क्रीन करके रेगुलर जो मैं व्यू देता हूँ फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में और ऑल्सो वेबसाइट में। फर्स्टली ये रो को सिलेक्ट किया, डाटा में जाके फिल्टर लगाया। फर्स्ट आप बाई साइड में देखिए, इसको जीरो जो वैल्यू आएगा ये ऑलरेडी ये प्रोबेबिलिटी 1 में जीरो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 2 में भी सभी ने जीरो दिखा रहा है। अच्छा, ये हाई लो फैक्टर में आपको क्या करना है, इसको ग्रेटर देन 2 कीजिए। जितना वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगा वो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंट्राडे में कम करना पसंद है। मैंने इधर हाई लो फैक्टर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोथ के लिए बनाया है। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंट्राडे के लिए और मैंने जो व्यू देता हूँ वो इंट्राडे के लिए देता हूँ, तो इंट्राडे का हिसाब से बना रहा हूँ। इसको मैंने वोलेटिलिटी को ग्रेटर देन 2 रखते हैं और प्राइस 100 के ऊपर ही होना, क्योंकि इसको मूवमेंट इस स्टॉक्स को ज़्यादा आता है। और अब ये भी रख सकता है, और इसको थोड़ा सा और भी स्क्रीन कर ले सकता है पिवट पॉइंट का हिसाब से, कौन सा पिवट पॉइंट इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में कॉमन आ रहा है। थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, तो इसको ये फिल्टर को मैंने हटा देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये कुछ स्टॉक्स इसका बाय सेल लेवल भी नोट कर सकता है, पिवट पॉइंट भी नोट कर सकता है। जो एलटीपी पिवट पॉइंट का ऊपर है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो नीचे होगा तो पिवट पॉइंट के ऊपर आप लोग जाके बाई कर सकते हैं, बाई लेवल आके भी जा कर सकते हैं और पिवट पॉइंट के ऊपर भी कर सकता है, और उसके ऊपर मूविंग एवरेज को भी ख्याल रखिए। तो देखिए आप लोगों का ये काम पे आया क्या आता है क्या नहीं।